चारों तरफ स्मार्ट वॉच ही स्मार्ट वॉच हो रखी है। कोई 1000 की खरीद रहा है, कोई 5000 की, तो कोई 10000 की। और ये अच्छी बात है कि मार्केट ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब दुनिया में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस बिकती हैं, उसमें से 27% इंडिया में बेची जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इवन फायरबोल्ट ने ग्लोबली सैमसंग तक को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो स्मार्ट वॉचेस में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गया है। तो ये डेटा दिखाता है कि मार्केट ग्रोथ बहुत सही हो रही है, लेकिन सामान बेचना अपनी जगह, और उसे कैसे बेचा गया और यूजर के पास वो कैसा चला, वो अपनी जगह है। और इसी जगह को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो फिर, कहानी सुनाने का समय हो गया, शुरू करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और यहाँ भी वही हुआ है, क्योंकि ये हमारी स्मार्ट वॉचेस वाली स्टोरी की शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले हुई थी, जब स्मार्ट वॉचेस इंडिया में शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्मार्टफोन जरूर आना शुरू हो गए थे। और उस टाइम पे क्या था, जो भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स थे वो चाइना से फोन उठाते थे और इंडियन कंज्यूमर को महंगे भाव का चूना लगा देते थे, और उनको यहां से मोटा प्रॉफिट होता था, क्योंकि फोन कंपनीज का मैक्सिमम पैसा जाता है रिसर्च में, क्योंकि फोन को सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट नहीं होती, वहां तक पहुंचने का जो सफर होता है वो काफी महंगा होता है, और सारे ही ब्रांड्स अपने एंड से जितना हो सके उतना R&D करते हैं, और जो ब्रांड जितना ज्यादा इनोवेशन करेगा उसका उतना पैसा R&D में लगेगा। लेकिन इंडियन फोन कंपनीज ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस चाइना से फोन उठाओ, यहाँ पे सेलिब्रिटीज से मार्केट करवाओ, और बस फिर आपका काम हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन हम तो स्मार्ट वॉचेस की बात करने आए थे, ये स्मार्टफोन्स कहां से आ गए? बोला था ना मैंने, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज जो इंडियन स्मार्ट वॉच ब्रांड्स हैं, वो एग्जैक्टली सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, चाइना से माल उठाते हैं और इंडिया में लोगों को महंगे भाव का चूना लगाते हैं। उनका मोटा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनका रिसर्च में तो कोई पैसा जाता ही नहीं, क्योंकि वॉच को बनाने की कॉस्ट है, वॉच को बनवाने की कॉस्ट है और लॉजिस्टिक्स है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब वैसे तो आप पूछोगे नहीं, बट कुछ लोगों को यह सवाल होगा कि यार आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ये चाइनीज माल बेचते हैं। तो देखो, मेरे पास एक कंपनी एफ की वॉच है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये घड़ी वाली कंपनीज बड़ी जल्दी रोने लग जाती हैं। अब ये वॉच कनेक्ट होती है एक ऐप से जिसका नाम है द फिट, और ये द फिट कंपनी एफ की कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है, जैसे सैमसंग के लिए गैलेक्सी वेरेबल आता है, एप्पल वॉच के लिए वॉच ऐप आती है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी ऐप है जिसको सिर्फ ये कंपनी एफ ही नहीं और बहुत सारी कंपनीज यूज करती है। चलो अब जरा ये देखते हैं कि ये ऐप एक्चुअल में है किसकी। तो जिस कंपनी की ये ऐप है उसका नाम है मोयंग लिमिटेड, लेकिन ये कंपनी कहाँ की है, गूगल करके देखें तो ये भाषा तो जानी पहचानी है। ये तो चाइनीज लैंग्वेज है, इसका मतलब ऐप भी चाइनीज ही है। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता थी कि स्मार्ट वॉच ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब मैंने आपको एक छोटा सा प्रूफ दे दिया, तो अब आप सीना ठोक के एलिगेशंस लगा सकते हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट की ग्रोथ हो रही है, और बहुत ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस बिकती हैं, उसके 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा, यानी कि 27% इंडिया में बिक रहा है। इंडिया में स्मार्ट वॉच का सेगमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 121% से ग्रो हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लास्ट ईयर जितने भी लोगों ने वॉच खरीदी, इस साल उसके डबल से भी ज्यादा लोग वॉचेस खरीद रहे हैं। बिल्कुल 2014 वाला स्मार्टफोन मूवमेंट बन रहा है। और क्योंकि इन ब्रांड्स को मैक्सिमम मार्केट शेयर से मतलब है, इसलिए इन्होंने प्राइसेस भी कम कर दिए हैं, क्योंकि जितना सस्ता सामान उतने ज्यादा ग्राहक, उतनी ज्यादा सेल्स, उतना ज्यादा मार्केट शेयर और उतना ही ज्यादा पैसा। और ये चीज प्रूव भी हुई है, लास्ट ईयर स्मार्ट वॉचेस का एवरेज सेलिंग प्राइस था $50.4, यानी कि करीब 4200 रुपीज, विच मींस कि मेजॉरिटी इसी प्राइस के अराउंड वॉचेस खरीद रही थी, लेकिन इस साल ये नंबर बहुत ज्यादा गिर गया है। अब एवरेज सेलिंग प्राइस हो गया है $29.2, यानी कि 2400 के आसपास। तो वॉचेस का ASP 42% से नीचे आ गया है, which obviously signifies कि मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। फायरबोल्ट ने ग्लोबली सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो एप्पल के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच ब्रांड बन चुका है। इस सारी सक्सेस को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये लोग कुछ भी फिक्स करना चाहेंगे अपने इसी चाइनीज इम्पोर्ट वाले काम से, जब इनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों मारेंगे? एफर्ट्स तब मारे जाते हैं ना जब कोई ढंग का कॉम्पिटिशन में हो, जब सारे ही एक जैसे होंगे तो उसमें से कोई दूध का धुला बाहर कैसे आ जाएगा? अब इस भीड़ में 2014 वाले शाओमी जैसा कोई आ गया तो ठीक हो जाएगा, वरना लूट तो मची रही है। और इन ब्रांड्स के पास जितना पैसा आ रहा है, उसमें से एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन ये लोग मार्केटिंग में यूज करते हैं, क्योंकि कल का आया ब्रांड धोनी या कोहली जैसे लेजेंड्स को ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन पे लेके आ रहा है, तो आखिर इनके ऊपर इतना पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि रिसर्च के नाम पे तो कुछ है नहीं, प्रोडक्ट सारे इम्पोर्टेड है, तो इनके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल मार्केटिंग प्ले करता है, क्योंकि देखो इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, और अगर मार्जिन ज्यादा होगा तभी तो आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के हाथों में अपना प्रोडक्ट दे पाओगे। और नंबर भी तो देखो, इतने सारे बड़े बड़े लोग इस लिस्ट के अंदर आते हैं, और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है जो ऐसा कर रहा है,
सारे सिमिलर स्ट्रेटजी अप्रूव करते हैं, और अगर सारे सेम चीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर तरफ अलग अलग कंपनीज की बस यही एड्स चल रही हैं, और देखो एड्स में कोई बुराई नहीं है, बुराई है गलत एड्स चलाने में, क्योंकि बहुत बार इनकी एड्स क्लियर झूठे वादे करती हैं, और सबसे बड़ा झूठ तो इनका नाम ही है स्मार्ट वॉच। क्योंकि मेरे हिसाब से डिजिटल वॉचेस दो तरीके की होती हैं, एक बेसिक स्मार्ट और एक स्मार्ट स्मार्ट, कि जितनी भी सस्ती वाली होती हैं ये होती तो बेसिक स्मार्ट की कैटेगरी में है, लेकिन इनको बेचा जाता है प्रॉपर स्मार्ट वॉच के नाम पे। और एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच का मतलब हुआ कि उसके अंदर एक प्रॉपर प्ले स्टोर होगा जिससे आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हो, या फिर इनके अंदर ट्रैकिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो पहली चीज तो यही होगी कि नाम ही फॉल्स है, और दूसरी इनकी फेक एड्स। जैसे एक तो कोई कंपनी है जो अपनी पूरी वेबसाइट पे एमोलेड एमोलेड चिल्लाती है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वो फेक एमोलेड स्क्रीन डाल के देते हैं, और कोई तो अपनी वॉच की इतनी फेक एड्स बनवा रहा है कि यूजर को डब्बा खोलने के बाद ही पता लगेगा कि असल में उसके पास आया क्या है और उसने देखा क्या था। हाँ फायरबॉल तुझे कह रहा हूँ, तेरे को तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में, उठो चूना लगाओ सो जाओ। और इनके कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी हैं जो एक लौकी को हाथ समझ के उसकी हार्ट बीट मेजर कर रहे होते हैं। अब अगर ये सब्जियों में जान डाल सकते हैं तो इंसानों की रीडिंग पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2020 में एक ब्रांड ने अपने SPO2 सेंसर वाली वॉच की बहुत मार्केटिंग की थी, क्योंकि कोविड में आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्होंने अपनी वॉच में एक SPO2 वाला सेंसर फेक डाला, रीडिंग फेक डाली, जिसकी वजह से बंदे का जो SPO2 लेवल है वो 90 से ऊपर ही रहता था। तो अब आप खुद सोचो, जस्ट बिकॉज इन्हें प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए ये आम लोगों की जान का पैसे के साथ सौदा कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ देने की आई डोंट थिंक सो जरूरत पड़नी चाहिए। और बड़ी एक सिंपल सी एनालॉजी है, अगर हर एक कंपनी 100-100 रुपए के प्राइस गैप पे हर रोज एक नई स्मार्ट वॉच निकालेगी तो यूजर का तो कंफ्यूज होना जायज है। एंड ऑनेस्टली अगर ये लोग ऐसे हर दूसरे दिन इतनी सारी वॉचेस निकालते रहेंगे तो ये एक क्लियर मैसेज देता है कि इनको यूजर वूजर से कोई खास मतलब है नहीं, इनको चाहिए पैसा और इनको चाहिए मार्केट शेयर। इसलिए ये 2,500 वाली नकली वॉच से खाली हाथ अगर आप रहोगे तो वो बेटर रहेगा। और जब भी ये ऐसे धाड़ धाड़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स तो बिक जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और आप सप्लाई दे रहे हो, तो प्रोडक्ट तो आप बेच लोगे, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है उसमें आपकी कोई खास इज्जत है नहीं। कहने का मतलब ये है कि कल को अगर ये एक महंगा प्रोडक्ट लेके आते हैं तो इनके पास लोग नहीं होंगे जो इनको बैकअप करके बोल सकें कि हाँ यार ये मेरी फेवरेट कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। अल्टीमेटली आपके कोई फैन वैन नहीं बन रहे, आपके बन रहे हैं कस्टमर्स, और कस्टमर लॉयल नहीं होता और ना ही उसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट इसको दूसरी दुकान पे थोड़े से कम दाम पे मिलेगा तो हम तो भैया वहां चले जाएंगे, क्योंकि बाजार भरने से तो भीड़ ही आती है, और अगर आपका बिजनेस मॉडल ही भीड़ बुलाने वाला है तो वो आपकी मर्जी। और ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगा कि सस्ते में इनको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो वैसे भी सही नहीं होती और सर्विस का भी हम कुछ कह नहीं सकते। इसी से रिलेटेड मैं आपको दो पर्सनल इंसिडेंट्स बताता हूँ। पहला, मेरे दो दोस्तों के पास नॉइस की सेम वॉच थी और दोनों की वॉच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हमने नॉइस का कंप्लेंट फॉर्म भरा, उन्होंने हमसे बात की, वो प्रोडक्ट को लेके गए, उनसे ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने नया प्रोडक्ट हमें डिलीवर किया, दो नई वॉचेस देके गए, और उनमें से एक वॉच तो 2-3 बार और भी खराब हुई तो उन्होंने फिर से उठाया और फिर से ठीक करके दिया। मैं कुछ प्रूफ्स अटैच कर देता हूं ताकि आप देख सको कि 2-3 बार खराब हुई है, 2-3 बार उन्होंने पिकअप भी की है और वापस डिलीवर भी की है। तो ये चीज मेरे को बढ़िया लगी कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो आपकी सुन लेंगे, एटलीस्ट आपको घोस्ट नहीं करेंगे। बट पंगा वही आ गया कि अगर सर्विस अच्छी थी तो प्रोडक्ट 2-3 बार बदलवाने पर भी सही नहीं निकला, तो बंदा प्रोडक्ट चलाएगा कम और बदलवाएगा ज्यादा। अब दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, और इसके रिगार्डिंग तो मैंने ट्वीट भी किया था। किसी रिलेटिव के पास एक बोट की स्मार्ट वॉच थी जिसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी, तो हमने कस्टमर केयर से कह के उसको ठीक करने के लिए भेज दिया। अब उस प्रोसेस में समहाउ उनसे वो घड़ी टूट गई और हमें कस्टमर केयर से कॉल आता है कि आपने एक डैमेज प्रोडक्ट हमें दिया है इसलिए हम इसे ठीक नहीं करके देंगे। पहली चीज, जब तुमने बंदा भेजा था पिकअप के लिए, अगर उसे दिखता कि प्रोडक्ट टूटा हुआ है तो टूटी हुई चीज तो वो वैसे भी नहीं लेता, उसने क्यों ली फिर? और दूसरी चीज, मैं एक टूटी हुई वॉच की वारंटी क्यों मांगूंगा, मुझे ऑब्वियसली पता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हो सकता है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मेरे से अलग हो, बेहतर हो सकता है, गंदा हो सकता है, और ऐसा ही होता भी है। कस्टमर सर्विस में सामने वाले बंदे के मूड पे बात होती है कि वो आपको रेजोल्यूशन देगा या माफ कीजिए बोल के आपके मुंह पे फोन काट देगा। और क्योंकि लो क्वालिटी का इंपोर्टेड सामान होता है, चौथे दिन खराब होता रहता है और कस्टमर फोन करता ही रह जाएगा, और ये लोग सेलिब्रिटीज को पैसे बांट रहे होते हैं। और एक चीज ये भी है जो मुझे पर्सनली लगती थी कि लोग स्मार्ट वॉचेस को एक फैशन स्टेटमेंट की तरह लेते हैं। फिटनेस ट्रैक करने वाले लोग मैंने मेरे एरिया में तो कम ही देखे हैं। जो एक नॉर्मल बंदा है वो इसको ऐसे यूज करता है कि हाँ भाई मेरे हाथ पे फोन आने लग जाए
और मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट बात कर सकूं, इससे ज्यादा मैंने कुछ करते किसी को नहीं देखा। बट हाँ, ये दुख की बात है कि कुछ लोग इसे हेल्थ बेनिफिट्स के वहम में आके भी खरीदते हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से सभी लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देने लगे। और ये चीज मैं अपने एंड से नहीं बोल रहा, इस चीज पे एक प्रॉपर सर्वे हुआ था कि इंडियन कस्टमर्स आर मोर कॉन्शियस ऑफ हेल्थ फिटनेस एंड होलिस्टिक न्यूट्रिशन। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को हेल्थ इंप्रूव करनी है तो पैसे तो लगाने ही पड़ते। इसलिए इस सर्वे में ये भी कंक्लूजन आया कि इंडियंस अब हेल्दी डाइट, हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसी चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना चाहेंगे, और उनका फर्स्ट स्टेप होता है एक स्मार्ट बैंड या फिर सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच। तो बस जहां डिमांड है, आप अगर वहां गंद भी सप्लाई कर दोगे तो भी आपका धंधा बन रहा है। पहले महंगे प्राइसेस पे बिजनेस किया, और अब जब 1500-2000 में स्मार्ट वॉचेस आने लगी हैं, तो जो लोग ट्राई करना चाहते थे वो ट्राई भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं अपनी कंट्री के प्रोडक्ट या कंपनीज का मजाक क्यों बना रहा हूं। पहली बात, कंपनी देश की हो चाहे बाहर की हो, अगर वो कांड करेंगी तो इस अदालत में उनकी पेशी तो होगी। हमने माइक्रोमैक्स को भी एक मौका देके देखा, क्या मिला। मैंने तो तभी बोला था जब वो लोग चीनी कम कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तब तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। इसलिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि किसी कंपनी के साथ दिल से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, यूज करो, रिकमेंड करो, लेकिन ज्यादा राग गाने की जरूरत नहीं है, किसी दिन चूना लगा दिया जाएगा। जैसे बहुत लोग नथिंग के फैन है, लेकिन इस बार उन्होंने दिल सा तोड़ दिया। ये रही वीडियो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।